परंतु मैं तो दो तीन बातों पर आपका ध्यान देना चाहता हूं। आप सब जानते हैं जिसके साथ हमारी लड़ाई है, क्षेत्र की धर्म और धर्म की लड़ाई है। हम जिस व्यक्ति से लड़ रहे हैं ये सारा खेल उसी के माध्यम से चल रहा है, इसमें कोई दोहरा नहीं। और जहां तक टिकटों की बात है, पार्टी को जो जमीनी कार्यकर्ता था उसको टिकट देना चाहिए जो जिसकी जनता में बात है। अब हमने जो ये अवसर हमने जो थाली में बड़ी सारी चीजें जरूरी के लिए भी कर दी, जब सीधी थाली में चली गई सीधी तो उसका टीका तो मिले होता। अब ये कोशिश हो रही है और हमने पार्टी को लिखा है कि वो विचार करे पूरी, अगर पार्टी के विचार से हम संतुष्ट होंगे तो उसके ऊपर हम विचार करेंगे, क्योंकि हम बात ओवर नहीं देना चाहते। ये जो उम्मीदवार है तो जीतने वाले नहीं है, उनको सीधी बीजेपी को सीट दे दी हमने तो मुकाबला नहीं है। तो हमें पार्टी से हमें रिक्वेस्ट की है, आज लेटर पर हमने भेजे और मेरी टेलीफोन पर बात हुई। मैं कहना नहीं चाहता कल सारी बातें जहां पंचायत हो रही है पूरे इलाके की, कल मैं नमस्कार से रखूंगा और आपके आशीर्वाद से अगर पार्टी में आ गया कल तक हमारी बात पर गौर नहीं करूंगा तो कल हम भी कुछ गौर करेंगे। क्योंकि हम उस आदमी को बहुत गौर नहीं देना चाहते जिसने क्षेत्र को बर्बाद किया है, जिसने क्षेत्र को लूटा है। अगर साथी और उसके काउंसलर आ गए तो रेट भी डबल हो जाएंगे पूरे इलाके में, जहां मकान पे 10,000 है तो 20,000 सीधे हो जाएंगे। हमारी लड़ाई जिस व्यक्ति से है हमें उससे लड़ाई लड़नी है, कैसे लड़नी है जैसे आपके सहयोग से लड़नी है। कल 11 बजे जहां सिंपल का दफ्तर है बीजेपी तरफ से, कल 11 बजे पूरी ताकत के साथ जिन भाइयों का आज पता नहीं चल पाया है, साथियों ये आवाज आप लोगों की है और फैसला ताकत आपके पास है। टिकट तो कोई भी नहीं हो, मुझे याद है सोनिया गांधी को मिले थे बहुत लोग गए थे, एक हमारे भूमंडी रहती है गोपी जी, उन भूमंडी ने ये कहा सोनिया गांधी को अगर टिकट तेरे पास है तो वोट हमारे पास है। असली कीमत पर वोट की बाबा साहब ने लेती है, टिकट तो कोई किसी का भी लो तुम तो अपनी दूसरी पार्टी को टिकट दिया हो भी दे लगाओगे देखो इतने टिकट। असली जनता किसको चाहती है, फैसला जनता का काम है, जनता के अगर फैसला करेगी कि कोई व्यक्ति है जो उस आदमी का मुकाबला कर सकता है, कोई व्यक्ति जो उसकी लड़ाई को लड़ सकता है। साथी बहाली बाजी करके कोई आदमी कुछ भी कर ले वो उसमें नहीं करना चाहता, परंतु कल आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे नौजवान जो कल इलाके में एक ऐसा मैसेज था कि टिकट ला सकते हो वो नहीं मिल सकती। हम रात भी आप लोगों के लिए खड़े रहते हैं, कोई व्यक्ति बता दो क्षेत्र में एक आदमी ऐसा नहीं, कोई गरीब ऐसा नहीं जो मेरे पास आए और मेरे लिए न करे। सरकार जाए कहीं भी जो मुझे ठाकुर जी ने दे रखा है मैं हर गरीब की सेवा करता हूं, कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं है। आपने कहेंगे तो मैं छोड़ दूंगा क्योंकि राजनीति गंदी हो गई, अब राजनीति मिल नहीं रही और स्वागत वाली हो गई, किसको दाम कहां अगर वो लगा ले। अब हमको भी सीधे आदमी ठाकुर जी को बताकर हम ज्यादा कमी पड़ते हैं ना, हम लोग पैसा कमाने के लिए राजनीति बनाया, राम सिंह को लोगों की सेवा करने के लिए आया। और ये मैं जानता हूं आप लोगों ने ताकत आपके पास है, हम जिसको भी कल जो भी फैसला होगा कल बता देंगे। 11 बजे आपने पूरी ताकत के साथ सिंपल का नाम लीजिए चौक है
हमारी मिसाल जनसभा होगी जिसको क्षेत्र में भाग्य का फैसला करेंगे। इस तरह से जब हम जीए पड़े अपने घर में बैठ गए तो एक आदमी का साम्राज्य क्षेत्र में चलेगा, वो पूर्वगामी से हुक्म करेगा और भगत पूर्वक वो अमल होगा। हमने फैसला करना है कि हमें अच्छे लोगों को बनाना है, जनमन को भगाना है, तो वो ताकत आपके पास है। और ये मैं सच्चे राम सिंह बोला है, आप सब राम सिंह है, एक एक आदमी काम करेगा मुझे याद है जब मेरा टिकट कट गया था, आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, बस भर भर कर दे सोनिया गांधी के पास और वहां दुनिया भर में आप लोग बोले आपको याद है, आपने कह दिया था राम सिंह चिंता मत करना, टिकट नहीं कोई बात नहीं, वोट हमारे पास है। और वोट की ताकत ऐसी दिखाई कि राजेश खन्ना के ऊपर भी लोगों ने छोड़ कर बैठ दिया, सेवक की जरूरत है, सेवक की जरूरत है। तो साथियों कल के लिए सब लोग ताकत लगाए, जानवर पहले हमारी माताएं बहने नौजवान साथी पूरी आप लोगों के पास ताकत है, फैसला आप लोगों का है, फिर मैं कुछ कर रहा हूं उसका कोई फैसला नहीं है, ऐसा तो बहुत कुछ हो जाता है, परंतु फैसला वो जो बाबा साहब ने हमें वोट की ताकत दी है। तो साथियों मैं आप सब लोग आए, मैं आपका बहुत आभारी हूं और आपके बलबूते पे लड़ाई लड़ी जाएगी और आपकी जीत होगी, कोई दुनिया की ताकत सच्चाई में नहीं रोक सकती, ये हमारे सोचने का होना चाहिए। आभारी हूँ और मैं उसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कल ही कहूंगा कि अब 15-20 दिन जो चुनाव है इसलिए सब काम करें, लोगों को बताने का संभालने का काम करें, सेवक को बेंगलुरु के बारे में बताए, सेवक को लोगों को बताने की बात, कोई अपनी फोटो नहीं देखेगा, रात दिन काम करेगा। तो इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद और मैं कल जो भी फैसला होगा कल पंचायत में हम सुना देंगे, ये मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। धन्यवाद। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।